हाँ तो दोस्तों यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 11% गिरकर 20,643 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। देखिए जो कोविड की सेकंड वेव थी उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू गिरा है, लेकिन जो प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे 12% क्वार्टरली बेसिस पर बढ़कर 3,897 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है। अब आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कैसे बढ़ रही है। देखिए जो लगातार यहाँ पे स्टील की डिमांड बढ़ रही है और जिस तरीके से यहाँ पे प्राइसेज हाइक हो रहे हैं, जो इनके मार्जिन परसेंटेज है वो इससे इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि इनके जो मार्जिन इंप्रूव ही होंगे, क्योंकि जो स्टील अगर आप देखोगे 100 रुपये में बिक रहा है वो अगर सीधा 120 में बिकेगा तो वहाँ पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 127% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू डबल से भी ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 3,897 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 1,226 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती हुई हमें नजर आ रही है। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए जो हमारा चाइना है वहाँ पर जो पहले मेन मैन्युफैक्चरर था स्टील का, अब वो मेन इम्पोर्टर बन चुका है और वो मेन एक्सपोर्टर भी हुआ करता था, यानी कि वहाँ से सबसे ज़्यादा स्टील एक्सपोर्ट होता था। और अभी हमारा जो इंडिया है वो मेन एक्सपोर्टर बन चुका है स्टील का, क्योंकि जो चाइना है वो भी लगातार स्टील इंपोर्ट कर रहा है और उसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज है वो भी यहाँ पर स्टील को इंपोर्ट कर रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये देखिए 59,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, वैसे ये रिजल्ट के बाद कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो और कम हो जाएगा, लेकिन देखिए गवर्नमेंट कंपनी है तो यहाँ पर ये आपको हमेशा इंडस्ट्री के कंपैरिजन में सस्ते वैल्यूएशन पर ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आएगी। ये देखिए पहले कंपनी लगभग 2000 करोड़ का प्रॉफिट कमाती थी और ये प्रॉफिट का नंबर पिछले साल सीधा 4000 करोड़ हो गया, और आपको पता होना चाहिए जिसमें से पहले क्वार्टर में कंपनी को 1200 करोड़ का लॉस हुआ था, यानी कि जो बचे हुए 3 क्वार्टर थे वहां पे कंपनी ने लगभग 5000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। तो ये जो डिमांड यहाँ पे स्टील की बढ़ी है और जो मार्जिन परसेंटेज यहाँ पे सारे स्टील की कंपनीज को जो फायदा हो रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि डिमांड जब तक हाई है जब तक ये कंपनीज के लिए फायदा है, अगर एकदम से डिमांड कम होती है तो ये कंपनीज के जो मार्जिन परसेंटेज है उन पे डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा और वहां पर इन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें 10-15% क्वार्टरली बेसिस पर गिरती हुई नजर आ सकती है। अब ये देखिए 141 पे यहाँ पे सेल का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 151 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करेंगे तो अराउंड 6-7% आपको ये अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए सेल के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो जो मेटल की साइकिल से यानी कि जो स्टील का जो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, कब डिमांड चेंज होगा कब कैसे क्या होगा, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आती है तो ही आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए इतना तो मैं श्योर हूँ कि ये साइकिल हमेशा बुलिश नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए एक ना एक प्राइस पर आकर जो डिमांड है वो कम होने ही वाली है, क्योंकि अगर ऐसे जिस तरीके से लगातार कॉमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ेंगे तो वहाँ पर डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। और कैसे क्या होता है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो इन कंपनीज की लालच बढ़ती है, तो यहाँ पे ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपने ज़्यादा कर देते हैं और वहाँ पर क्या होता है ये पूरी सप्लाई को कवर करने के लिए इनका सप्लाई बढ़ा देते हैं, और जब सप्लाई फिर से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर जो डिमांड एंड सप्लाई जब मैच हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो डिमांड है वो कम होती हुई हमें नज़र आती है, तो इसीलिए एक रिस्क यहाँ पर आपके लिए बना रहेगा। इसलिए मेरे ख्याल से एक एग्रेसिव इन्वेस्टर अगर आप हैं तो ये आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मेरी तरफ से यहाँ पर कोई भी राय नहीं है। लेकिन देखिए अभी कॉमोडिटीज़ की बुलिश साइकिल चल रही है तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से भले ही नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मुझे यहाँ पे 150 रुपीज़ के टारगेट सेल में आते हुए नजर आ रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 150 रुपीज़ के टारगेट के हिसाब से आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। देखिए वैसे ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही काम करना है।
दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सेल के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।